हाय फ्रेंड्स, BS6 होंडा साइन है। तो ये बाइक जो है 13,520 किलोमीटर जो है ये चल चुकी है। तो इसमें जो है हम आज जो है मैं करने वाला हूँ, इसमें जो है फ्यूल फिल्टर चेंज करने वाले हैं। तो देखिएगा, फ्यूल फिल्टर जो है लगभग 12,000 में चेंज होना चाहिए, तो ये 13,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो इसमें जो है मैं फ्यूल फिल्टर चेंज करूँगा। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे आपको जो है चेंज कराना चाहिए, ताकि बाइक में जो है कोई समस्या ना आए और इंजेक्टर भी जो है अच्छे से वर्क कर सके। तो दोस्तों, इसके लिए जो है हमें ये साइड पैनल ओपन करना होगा। यहाँ पे ये साइड पैनल जो है ओपन करना होगा और यहाँ पर जो है इसका फ्यूल पंप लगाया गया है। इसमें जो है यहाँ पर इसका फ्यूल फिल्टर है। तो देखते हैं वीडियो में जो है फ्यूल फिल्टर कितने का आता है और कैसे ऐसे जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये फ्यूल पंप बाहर आ गया है। अब ऐसे जो है या इस लॉक, ये सारे जो लॉक लगे हुए हैं यहाँ पे, लॉक है 1, 2, 3, 4 चार जगह जो है ये लॉक लगे हुए हैं। ऐसे ओपन करना होगा, इसी के अंदर जो है हमारा फ्यूल फिल्टर है। तो ये है इसका फ्यूल फिल्टर ओरिजिनल जेन्युइन। तो ये 296 MRP है इसका। और इसमें जो है हमें एक फिल्टर है और दो ओरिंग है, तो ये हमें मिले हैं और इसका ये पार्ट नंबर है। ये इसका पार्ट नंबर है, ये देख पा रहे हैं ये जो है। तो ये 300 रुपये का आपको फिल्टर मिलने वाला है। तो ये फिल्टर जो है हमें सीधा इसे ओपन करके जो है ऐसे जो है पाइप ब्लॉक करके हम जो है ओपन करेंगे और इसमें जो है फिल्टर जो है चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने जो है ये पुराना फिल्टर जो है फ्यूल फिल्टर ये ओपन कर दिया। तो ये देख पा रहे हैं इसमें जो है ये जो है डैमेज हो गया है, पूरा हार्ड हो गया है। तो ये है इसका नया फिल्टर जो हमें यहाँ पे फिट करना। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर फिटिंग करना है। तो ये यहाँ पे जो है फिल्टर फिटिंग हो गया है, सारे लॉक जो है प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो गए हैं। और ये हमारे ये ओरिंग भी हम चेंज कर दिए हैं। और दूसरा इसका ये फिल्टर, ये पुराना वाला फिल्टर है ये। यहाँ पर जो है फ्यूल पंप फिटिंग हो गया है सारा कुछ, इसके कपलर भी लग गए हैं और दूसरा चीज़ इसका इंजेक्टर पाइप भी लग गया है। अब हम इसे करते हैं स्टार्ट। तो बाइक हो चुकी है स्टार्ट। हल्का रेस लेंगे।